हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो चुका है, नेक्स्ट पेपर चालू होने वाला है इकोनॉमिक्स का, वो है 18 तारीख को। ऐसी स्ट्रेटेजी लाया हो ना दोस्तों, आप लोगों के मार्क्स 78 प्लस आने वाले हैं। सर दो नंबर की क्या दिक्कत है, वो आप लोगों का दिमाग थोड़ा जगह पे नहीं रहता ना दोस्तों, इसलिए दो नंबर को मैं पहले ही मार्जिन ऑफ एरर मान के चल रहा हूं। तो 78 मार्क्स कैसे लाना है आउट ऑफ 80, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है, एक एक करके अपन डे बाय डे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, एनएससीसी क्लास को पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है, बहुत सारी चीजें यहीं पर मिलेंगी। ठीक है, चालू करते हैं स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले अपना सबसे पहला दिन है आज का, ये वीडियो जब आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का 6 बज रहा होगा। ठीक है, 6 या 7 बजे 8 बजे जब भी आप पेपर देख रहे हो, सॉरी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को एक चीज क्लियर है कि आपके पी के पेपर के बाद आपकी हालत खराब है तो मस्त आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 बजे आप लोगों को एक काम शुरू करना है। काम शुरू क्या है, अब आप देखो डेट 12th मार्च है। वर्क क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है भैया, मैं पहले से बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल काम है। प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर करने हैं, जो कि इशू किसने की है, सीबीएसई ने। दो सैंपल पेपर है 22-23 के और 23-24 के। अभी आप जाओगे तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, 22 और 23-24 दोनों के एसक्यूपी डले हुए हैं विथ मार्किंग स्कीम। ठीक है, शांति से कितने देर में बनाना है सब आप लोगों को ध्यान से समझो, मैंने क्वेश्चन पहले लिखा है, कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए पर एसक्यूपी, आप लोगों को 2 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर आप 8 बजे भी बैठते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये काम खत्म हो जाना चाहिए 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, पहले टाइमिंग डाल चुका हूं। लेकिन ट्राई करें इसको और स्पीड में करने का। रीजन भी, आज सिर्फ हमारा काम सैंपल क्वेश्चन पेपर इसलिए करने का है कि कौन से टॉपिक आपको नहीं आते वो आपको थोड़ा सा पहले पता चल जाएगा। ये रीजन करने का सबसे बड़ा ये है, अगले 5 दिन आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा इंफोसिस देना है वो पता होना चाहिए, राधा देना पूरा सिलेबस मगअप करते रहो। ठीक है, तो आपको पहले से पता चल जाना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक में दिक्कत हुई, मैं ये टॉपिक को अच्छे से करूंगा। समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन सोने से पहले आपको एक काम एक्स्ट्रा दे रहा हूं दोस्तों, फॉर्मूला एट ग्लांस का वीडियो आपको देखना है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, दोनों ही चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। ये वर्क लेवल बहुत इजी है और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है 8 से 12 में 2 सैंपल पेपर और 1 फॉर्मूला एट ग्लांस का वीडियो। 12th मार्च खत्म, सो जाओ, चिल करो। लेकिन एक दिक्कत है, 13 मार्च को आपकी जो नींद खुलनी चाहिए ना, वो 7:45 को खुलनी चाहिए। जैसे ही आप 7:45 को नींद खोलोगे तो आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मॉर्निंग शॉट आएगा 7:45 को। अब आप ब्रेकफास्ट करते करते, घर वालों के साथ बैठते, वॉकिंग करते, आपको जिमिंग करना है, जो करना है, 7:45 से लेके 8 बजे तक का आपके पास टाइम है स्टडी टेबल में पहुंच जाने का। ठीक है, 8 बजे से लेके अपन 6 बजे तक प्रिपरेशन चालू करेंगे। अभी भी वर्क मोड लेवल इजी और मीडियम के बीच चल रहा है। अपना जो वर्क मोड लेवल जो हाई लेवल जाएगा ना दोस्तों, वो 15-16-17 में जाएगा, तो 13 और 14 को अपना वर्क लेवल इजी है। सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं अपन, ये है डेट 13 मार्च की, वर्क है आईडी के फर्स्ट फोर चैप्टर। ध्यान रखेंगे, बुक रीडिंग तबाही होनी चाहिए, एक एक वर्ड आपको रीड करना है। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, दोस्तों आपने चैप्टर ऑलरेडी रीड किया हुआ है तो आपको बहुत सारे टॉपिक तो पहले से पता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको चीजें मिलती रहेंगी, उसका टेंशन मत लेना। लेकिन ध्यान रखेंगे कि आप इस चीज को सब्स्टिट्यूट नहीं बनाएंगे कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम करता हूं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चले जाता हूं, तो फिर मार्क्स भी वैसे ही आएंगे दोस्तों। तो इसीलिए बुक रीडिंग पूरी करनी है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, एलपीजी प्लस एचसीएफ। अब ध्यान दो कितना टाइम लगना चाहिए सर, देखो 8 बजे से लेके कम से कम आपको 4 बजे तक ये काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, 8 बजे से लेके 4 बजे तक, ये होता है करीबन 8 आवर्स। अगर आप 8 आवर्स में ना 1.5 घंटे का भी ब्रेक लेते हो तो आपके पास होता है करीबन 6.5 घंटे। 6.5 घंटे में ना बुक रीडिंग हो जाएगी, बुक के पीछे के एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे, संदीप गर्ग हो या आपके पास कोई भी बुक हो उसमें हॉट्स दिए हुए हैं प्लस एनसीईआरटी दिया हुआ है, बुक के पीछे के क्वेश्चंस करने के हैं। ठीक, एक बोनस काम दे रहा हूं,
थोड़ा सा बोनस काम। एनवायरमेंट चैप्टर आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है, तो एनवायरमेंट चैप्टर को ना सिर्फ गो थ्रू करना, एक बार सिर्फ गो थ्रू, ऐसे ऊपर से एक रीडिंग मार के सो जाना। क्या है ये, तो 5 चैप्टर हो जाएंगे, किसी चैप्टर के लिए भी मैं टाइमिंग दे दिया हूं। लेकिन जब आप 4 बजा रहे हो या 4:30 बज रहे, देखो आधा पौन घंटा ना ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्या घर में किसी को काम भी करना पड़ता है, ठीक है, कोई अकेले रह रहा है, कोई हॉस्टल है, कुछ भी हो सकता है, तो आप 6 बजे तक अपना काम निपटा के रख लो। 6 बजे अगर आपको लग रहा है कि आपके पास और कोई काम नहीं है, तो 6 बजे आप लोगों को, सॉरी 4 बजे आप लोगों को एक सैंपल पेपर, इजी एक इजी सैंपल पेपर पूरा लिख के सॉल्व करना चाहिए, पूरा लिख के। अब सैंपल पेपर में हो सकता है किसी की इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन अच्छी होगी तो उसको 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटे से कम तो लगाना मत, क्योंकि आपको पूरा लिख के देखना है। अब जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो लिखने की स्पीड ना पहले से थोड़ी सी ज्यादा रखना। तो एमसीक्यू को सॉल्व मत करो, पहले आप आओ 4 नंबर 6 नंबर 3 नंबर पे आओ। एमसीक्यू को तो वैसे भी आप 15 मिनट जो एग्जाम में मिलेगा आप उसमें बहुत सारी चीजें उसको डिस्कस कर लोगे। एमसीक्यू के बारे में भी आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन बाद में, आगे चलते हैं। अब ये जितना भी आप रीडिंग करने वाले हो, ये चारों चैप्टर, इसका वन शॉट वीडियो एनएससीसी क्लास में डाला हुआ है, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक डाल दी है, तो आप जाइए चैप्टर वाइज उसके ऊपर डले हुए वीडियोस उसको देखिए। एक दिक्कत है, मैं पहले से डिस्क्लेमर बोल रहा हूं, रीडिंग के बाद आपको वीडियो देखना है। अगर आप रीडिंग से पहले देखोगे तो वीडियो को सब्स्टिट्यूट मान लोगे और सीधे क्वेश्चंस में चले जाओगे। क्वेश्चंस नहीं बने तो हो सकता है आप डीमोटिव हो, कॉन्फिडेंस अभी लूज नहीं करना है। वीडियो देखना अपना बहुत ज्यादा सेकेंडरी काम है, सबसे पहला है अपना रीडिंग अच्छे से करना। आप किसी के भी वीडियो देखो, मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा, बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। वो जो वीडियो में करवा रहा है वो वन शॉट करवा रहा है या फिर बहुत जल्दी करवा रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, लेकिन आपकी रीडिंग बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, अपना ये दिन खत्म होता है। अब एक चीज, अगर आप 6, 6:30, 7, 7:30 बजे तक अगर आप इको का काम खत्म कर ले रहे हो सकता है आपकी बीएसटी और अकाउंट्स का आपको दिक्कत चल रही है, तो आपके पास 3.5-4 घंटे हैं। मैं उसमें आपको सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन आपके पास 4.5-5 घंटे दिन खत्म होने में, ठीक है दोस्तों। अगला दिन चालू होता है भैया 14th of March। यहां पे थोड़ा सा टेंशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये दिन थोड़ा सा मीडियोकर और हार्ड लेवल जाने वाला है। तो 14th मार्च को अगेन आपको उठना है 7:45 को, आपके पास डेट्स और इंसिडेंट्स के बहुत सारे मॉर्निंग शॉट आएंगे। 14th को अगर आप सुबह उठ जाते 7:45 को, आपका काम चालू होगा 8 बजे से आपको क्या काम चालू करना है, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इंडिया चाइना की बुक रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। बुक रीडिंग, अब ध्यान दो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करीबन मान के चलो ये 16 से 18 मार्क्स कंटेन करते हैं दोस्तों, 16 से 18 मार्क्स। इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से चाहिए, बहुत ज्यादा जबरदस्त अच्छे तरीके से चाहिए। रीडिंग जैसी कंप्लीट होगी, वन शॉट वीडियो देखें, चैप्टर के साथ साथ उसके बुक के पीछे के एमसीक्यू क्वेश्चंस, अगेन मैं बोलूंगा हॉट्स, और अगेन मैं बोलूंगा साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस जरूर देखें। अगर आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस लग रहे हैं तो आगे बढ़िए। अब मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ID के दूंगा, सीधा याद कर लेना, दिमाग मत लगाना कि ये कहाँ है, कैसा है, क्या है, कौन से चैप्टर का है, सीधा याद कर लो। अगर आपका वो चैप्टर नहीं भी हुआ है, वो क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है, सीधा याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन दूंगा कल, दैट इज 14 मार्च के बाद अगला जो 15 मार्च है उसमें भी मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। तो आज मैं 15 क्वेश्चन देने वाला हूं 14 मार्च को, 15 क्वेश्चन के याद कर लेना। आपका काम खत्म हो जा रहा है भैया, करीबन 4, 4:30 तक काम खत्म हो जा रहा है, 15-20 मिनट का ब्रेक लो और एक सैंपल पेपर, लेकिन वो थोड़ा सा मीडियम होगा, पूरा लिख के सॉल्व करना है, पूरा लिख के सॉल्व करना है। सर कितना टाइम लगना चाहिए, अगर आप 8 बजे बैठते हो तो आपका काम अप्रोक्सीमेटली 3:45 या फिर 3:30 तक तो खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें आप इसके बाद आधे घंटे का आप ब्रेक लोगे, और ब्रेक खत्म होने के बाद आप लोग शुरू करोगे एक सैंपल पेपर। अगेन सैंपल पेपर करने का मेन रीजन ये है, हर दिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए पूरे सिलेबस को लेके। हमारा मेन फोकस, अब जो साल भर में नहीं हुआ उसकी प्रिपरेशन आप 6 दिन में नहीं कर सकते, लेकिन
हम उन 6 दिनों को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि दिन के किसी एक टाइम पर पूरा रिवाइज भी होते रहे और दिन के किसी टाइम पर मेजर चैप्टर्स और टॉपिक भी डिस्कस होते रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो डले रहेगा, आपको डाउट्स एंड इंसिडेंट्स के मॉर्निंग शॉट आते रहेंगे। एक चीज मैं बोल लूं, एम्प्लॉयमेंट और चाइना में ना ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस वाले क्वेश्चन है। तो जब भी आपको एसक्यूपी में और बुक में ट्रेंड एनालिसिस मिले ना, इसको थोड़ा काम होके रीड करना, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा देखो मगप नहीं कर रहा है, सिर्फ ना अपना काम सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो 14 मार्च खत्म हो जाता है, रात को आपको जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, बचते हैं 15 मार्च के सुबह 7:45। अगेन आपको मिलता है एक मॉर्निंग शॉट, सुबह के बज रहे हैं 8, आप बैठे हो अपने स्टडी टेबल पर एक कॉफी लेके और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेके, 8 बजे आपका काम शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अब चालू कर रहे हैं, किसकी बारी है पता है दोस्तों? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बारी है। आपको सबसे पहले आज बड़े बड़े 3 चैप्टर करने हैं, लेकिन उसमें से जो 2 चैप्टर है वो एकदम चिल्लर है। नेशनल इनकम आपको कंप्लीट करना है, इसमें आपको जो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें तो ज्यादा टाइम लगने नहीं है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की सिर्फ रीडिंग चाहिए, आप लोग अच्छे से उसको प्रिपेयर करके रखे हैं। 3rd चैप्टर है नहीं, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में आपको प्रिकॉशन, जीडीपी, वेलफेयर, ये सारे टॉपिक आपको करने चाहिए। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरा टेंशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, मैंने बोला था ना 15th मार्च को आईडी के जो क्वेश्चन आएंगे, ये आईडी के क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज रहेगी मैक्रो की, वो नेक्स्ट डे शुरू होने वाली, दैट इज कब से शुरू होगी? वो 16th से शुरू होगी, क्योंकि अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका चल रहा है? आईडी का। तो शुरू करते हैं, गवर्नमेंट बजट आपको खत्म करना है, मनी बैंकिंग, नेशनल इनकम, इनके न्यूमेरिकल्स भी बनाने हैं। सर न्यूमेरिकल्स बनते नहीं है, इसका वीडियो कंप्लीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, लिंक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगेन मैं बोल रहा हूं, इन 3 चैप्टर की रीडिंग होने के बाद ही आपको वन शॉट वीडियो देखना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? बुक के पीछे के अगेन मैं बोलूंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस करते रहें, अगेन मैं लिखूंगा दोस्तों वीडियो खत्म होते तक हॉट्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके बुक के पीछे डले हुए हैं। सर कितना टाइम लगना चाहिए? अब ध्यान दो, क्योंकि हार्ड लेवल प्रिपरेशन शुरू हो रही है, बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो भैया आज अपने को आपको खत्म करना चाहिए करीबन सुबह 8 बजे से लेकर, सुबह 8 बजे से लेकर आप लोगों को ये खत्म करना है 4 बजे तक। आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, बीच में तो आप ब्रेक ले ही रहे हो, बीच में तो आप ब्रेक ले ही रहे हो, लेकिन वो 5 से 10 मिनट से ज्यादा ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। आप 4 बजे फिर चालू करोगे, 4 बजे जब चालू करोगे तो ध्यान रखना, इस बार 2 सैंपल पेपर करने हैं, और 2 सैंपल पेपर अगर करने हैं तो इस बार आप ध्यान रखोगे आपका काम बढ़ गया भैया, अब आपका काम बढ़ गया। क्यों? जब आप 2 सैंपल पेपर करोगे तो 1 सैंपल पेपर में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, फिर एक बार मैक्रो और आईडी रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा रात को कि यार ये क्वेश्चन बार बार दिख रहा है, ये टॉपिक मुझे एक बार रीड कर लेना चाहिए। आपके पास अभी भी आपके पास 2 दिन बचे हैं, तो वो टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूं, रात को प्लीज एक एसक्यूपी करके ही सोना, ताकि आपको पता चले आपकी कितनी प्रिपरेशन और कौन से टॉपिक की प्रिपरेशन नहीं हुई है, वो टच कर लोगे। आगे चलते हैं, इसके बाद देखो यहां पर जो काम चालू हो रहा है ना, अब 8 से 8 का हो गया। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे पता है? अभी तक आप लोग 8 से 6 चल रहे थे, अब 8 से 8 दैट इज 12 घंटा हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लेवल है ना वो अप हो चुका है, हार्ड लेवल पे जा चुके हैं। सो जाइए, अब शुरू करते हैं भैया 16th मार्च। 16th मार्च को आप लोगों को उठना चाहिए 7:45 को मॉर्निंग शॉट के साथ, 8 बजे आप स्टडी टेबल पर आ जाइए, कॉफी और ब्रेकफास्ट लेके, फ्रूट्स फ्रूट्स लेके बैठ जाना और शुरू करना मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज एडीएस के 3 चैप्टर। मेरे हिसाब से क्योंकि आप साल भर आपने प्रिपरेशन की है, तो अब अपना ब्रेक ज्यादा मत लो, वन गो में करने का ट्राई करो। यार एक तो आप एक एग्जाम के बीच में बैठे हो और आप ये सोचो कि नहीं मैं थोड़ा नींद ले लेता हूं, ये सब प्लीज मत करना, वन गो में ट्राई करें कंप्लीट करने का। एडीएस की यूनिट हो गई, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी आती है, किसकी? मैक्रो की। 15 क्वेश्चन दूंगा, सीधा याद करना। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत चिल्लर चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत चिल्लर चैप्टर है, लेकिन इसमें याद रखेंगे ग्राफ,
सर ग्राफ में बहुत दिक्कत होती है, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना दोस्तों, ग्राफ का वीडियो डल चुका है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियो, एडीएस के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के डल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और चेक करो। अब वन शॉट वीडियो फिर मैं बोलूंगा, ये चैप्टर की रीडिंग होने के बाद ही देखना, बट बुक रीडिंग करने के बाद आपके उसके एमसीक्यू क्वेश्चन, अगेन मैं पांचवी बार लिख रहा हूं, हॉट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन करना मत भूलना। अपना काम आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक चल रहा है, इस बार अगर आपको अब 2 सैंपल पेपर जो रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक खत्म करने हैं, अब आपको लगेगा सर हम लोग रात के 9 बजे से 11 बजे में 2 घंटे में 2 सैंपल पेपर, अब आपकी स्पीड मेंटेन है दोस्तों, अब क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब ध्यान देंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बता देता हूं, 16th मार्च है, 16th मार्च का जो अगला दिन, दैट इज वाह क्या बात है, 17th मार्च जो है, ये आप लोगों को ऐसे जीना है कि आप 18th मार्च जी रहे हो, मतलब 17th मार्च आपके इकोनॉमिक्स पेपर के एक दिन पहले का लास्ट दिन है, 17th मार्च का बहुत अच्छे से प्लान होना चाहिए। प्लीज आप लोग 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये जितने भी दिन है इसमें 5 मिनट भी वेस्ट ना करें कि मैं घूम के आ जाता हूं, मैं मूवीज देख लेता हूं। प्लीज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वर्ड्स, वोकैब, टेक्निकल वर्ड्स, फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें एक साथ याद रखनी होती है। आगे चलते हैं, अब ध्यान देना कितना टाइम लगेगा। देखो भैया अगर आप 8 बजे से बैठते हो तो मुझे लगता है रात के करीबन करीबन 8 बजे तक तो आपको ये काम कंप्लीट कर लेना चाहिए, जो होते हैं करीबन करीबन 12 आवर्स। अगर आप 12 आवर्स में से 2 घंटा भी ब्रेक ले रहे हो टोटल, तो भी आप स्टडी कितना किए पता है आप लोगों को, 10 आवर्स स्टडी किया आप लोगों ने और 9 बजे फिर सैंपल पेपर पे आ गए आप लोग। सर इतना हैवी, हाँ तो तभी मार्क्स भी हैवी आएगा, नहीं तो हैवी ड्राइवर बन जाना दोस्तों। लास्ट, अब लास्ट दिन है भैया अपना, कौन सी डेट है पता ही है, ये डेट है 17th मार्च। क्या तो स्ट्रेटजी है दोस्तों 17th मार्च की, क्या स्ट्रेटजी है। देखो मेरी वार्ड भी कब लगी, मैं फंबल भी कब हुआ 17th मार्च को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया कुछ तो दिक्कत है, भगवान यहाँ पे ना कुछ तो आपको ना क्या बोलते हैं उसको कुछ ना कुछ शो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले भैया मॉर्निंग हो जाती 7:45 को, 8 बजे से लेकर भैया 9:30 बजे तक एक सैंपल पेपर आपको करना है जो NSCC व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर करेंगे पहले के 6-7 घंटे। 8 बजे आपने उठा, आप 8 बजे आपने उठा, ओ वाओ क्या हिंदी है मेरी, 8 बजे आप उठे, 8 बजे से 9:30 बजे तक आपको एक सैंपल पेपर करना है, फिर 10 बजे से लेके 12:45 तक एक सैंपल पेपर करना है। एक फन फैक्ट बता दूं दोस्तों, 18 मार्च को आप इस टाइम पर अपना फाइनल पेपर लिख रहे होंगे, इसीलिए प्लीज आप लोगों से निवेदन है 10 बजे से लेके 12:45 तक कोई भी स्टडी नहीं करेगा, कोई भी आराम नहीं करेगा, कोई भी दूसरा प्लान नहीं रखेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 बजे से लेके 12:45 तक एक पेपर सॉल्व करेगा जो कि मैं भेजेगा, ये वाला पेपर मैं भेजेगा। आगे आफ्टरनून दोपहर की बात आती है, अब देखो 12:45 के बाद ना 3 बजे, देख रहे हो मस्त आराम दे रहा हूं दोस्तों आप लोग, फुल आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 बजे स्टडी टेबल पे वापस आ जाओ, 4:45 तक एक और सैंपल पेपर, ये एकदम तबाही सैंपल पेपर रहेगा जो कि अगेन कौन भेजेगा, मैं भेजेगा, ये बहुत जबरदस्त सैंपल पेपर रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं एक्स पे बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अब आते हैं इवनिंग, 17 तारीख के शाम 6 बजने वाले हैं और आप लोगों की हालत खराब होनी शुरू हो रही है क्योंकि कल अब पेपर है, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों से पूछना चालू करेंगे, तेरा कितना हो गया, इतना हो गया, ये हो गया, वो सब नहीं करने का है। 6 बजे आईडी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको 6 से 8 में रिवाइज करना है और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैक्रो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी मैं टॉपिक भेजूंगा। तो 6 से लेकर 10 बजे तक आपका आईडी और मैक्रो एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, ये मैं भेजूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको कैसे रिवाइज करने, कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने, ये सारी चीजें मैं भेजूंगा, पीडीएफ आपको ग्रुप में आ जाएगा, समझ में आ गया।
जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो उस दिन में यूट्यूब चैनल में इसी यूट्यूब जो वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में जाते रहना, आपको डेट वाइज इंफॉर्मेशन वहां पर आने लग जाएगी। जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे एनएससीसी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही है, जो लोग नहीं है उनको ये यूट्यूब वीडियो में आप जाते रहना, चीजें अपडेट होती रहेगी। अब इतना करने के बाद ना भैया, मेरे को लगता है कि आप अपने ऊपर, टीचर्स के ऊपर और अपने डेस्टिनी के ऊपर ना थोड़ा सा ट्रस्ट करना कि भैया मैं जितने 6-7 दिनों में मैंने जो भी प्रिपरेशन की है उसका जितना भी रिजल्ट हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एफर्ट्स 110% डाले हैं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा है? सुबह क्या करना है मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा आपको, जो करना है करो। मेरे को लगता है सुबह मस्त उठना चाहिए, 7:30 बजे तक उठिए, मस्त पूजा करिए, भगवान को बताइए कि भैया भगवान मेरा पेपर है थोड़ा साथ देना। 7:30 बजे आप लोगों को उठकर वो सारी चीजें स्पिरिचुअली थोड़ी करनी चाहिए कि पेपर में भगवान का साथ चाहिए, पेपर देने जाइए और मुझे बताइए पेपर कैसा गया। जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए किस दिन का क्या कोई दिक्कत हुई, और अगर आप एनएससीसी वाले हैं तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, जो भी डाउट है आप मेरे को पूछते जाइए और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं, क्या तो पेपर जाने वाला है, बिलीव मी बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बंद करना भाई, एक स्लाइड और है। हाँ हाँ, अरे ओ पेपर देने जाना है ना भाई, ठीक है, क्या तो पेपर जाएगा दोस्तों, बहुत एक नंबर पेपर जाएगा। मैं बोल रहा हूँ फुल आप लोगों को फुल दुआ, टेंशन मत लो, ठीक है, कोई रोएगा नहीं है, अच्छे दे देना।